रूस यूक्रेन युद्ध के बाद हालात बेहद खराब हो गए थे। भारत के साथ अन्य देशों के छात्र भी यूक्रेन में फंस गए। वहीं भारतीय छात्रों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा शुरू किया, जिसके जरिए भारतीय छात्र स्वदेश लौटे। हरियाणा के सौरभ जैन 3 दिन तक यूक्रेन में फंसे रहे। 4 मार्च को ऑपरेशन गंगा के तहत वतन वापसी हुई। परिजन काफी खुश हैं। सौरभ के परिजनों के मुताबिक रूस और यूक्रेन के युद्ध में फंसे होने के कारण उनकी चिंताएं बढ़ी हुई थीं। हमारे को ये लग रहा था कि भाई शायद कोई दिक्कत हो सकती है। बार बार हमें इस बात का मतलब डर था, आशंका थी। फिर हमारी गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया कि इन बच्चों को भारत में वापस लाने के लिए दिन रात एक कर दिया। और प्रधानमंत्री मोदी जी का बार बार दिल की गहराइयों से हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इतना बड़ा काम बिल्कुल आराम से कर दिया। बच्चों को बॉर्डर तक आने में तो जो परेशानी हुई, उसके बाद भारत सरकार ने कोई भी परेशानी नहीं होने दी। सौरभ जैन ने बताया कि रूस ने यूक्रेन पर 24 तारीख को हमला कर दिया था। इसके बाद यूनिवर्सिटी के द्वारा उन्हें अलर्ट पर रखा गया कि वो अपने अपने वतन लौट जाएं, लेकिन हालात इतने खराब थे कि उन्हें 3 दिन तक बंकर में ही रहना पड़ा। खाने पीने का सामान भी कम हो गया था। इसके बाद भारतीय एम्बेसी से संपर्क किया गया। हम लोग 24 तारीख को जैसे हम सो रहे थे सब रात में, तो सुबह एकदम से धमाके की आवाज़ से हमारी नींद खुली, तो हमें लगा पहले कि कोई एक्सीडेंट हुआ होगा आसपास। तो हमने बाहर देखा तो एक और धमाके की आवाज़ आई, तो हम सब थोड़ी देर के लिए डर गए थे कि अब ये क्या हुआ। तो फिर हमने न्यूज़ वगैरह देखी तो पता लगा कि रशिया ने वॉर शुरू कर दी है। उसके बाद अफरा तफरी का माहौल था पूरे देश में, तो हम लोग फटाफट गए, जो भी सामान मिला हमें उठा के लाए खाने पीने के लिए कि कमी ना हो जाए बाद में। और फिर उसके बाद वही है, बार बार सायरन बजते रहे, हम लोग बंकर्स में जाते थे, फिर जैसे ही सब शांत हुआ फिर वापस बाहर आना। 24 तारीख को जैसे ही रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, वहाँ एक के बाद एक धमाके हुए, लोग डरे सहमे थे। मीडिया के जरिए परिजनों तक सूचना पहुँच गई। इसके बाद परिजन भी परेशान हो गए थे। बहरहाल ऑपरेशन गंगा के तहत अब छात्रों की वतन वापसी जारी है। गोहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट।